श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से पढ़ चुके हैं हम 25 श्लोक, जिनमें भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपक्रमों नियमों का वर्णन किया गया है। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोक दोहरा लेते हैं। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धालीन हो, वे भी मुझे ही पूजते हैं पार्थ पर विधिहीन हो। सब यज्ञ भोक्ता विश्व स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी, पर वे न मुझको जानते हैं तत्व से गिरते तभी। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त हैं, जो भूत पूजे भूत को पाते मुझे मम भक्त हैं। यानी जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनको भी ईश्वर जान के तो वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो जो भी करें, जिस भी रूप में या जिसकी भी पूजा करें या जिस किसी भी साधन से करें, हर साधन को और हर साध्य को ईश्वर का रूप ही माने या मुझे ही उसमें देखें तो वे मुझे अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री और नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज़्यादा कठिनता होगी। इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुप्रहितं अश्नामि प्रयता प्रयतात्मनः। यानी जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पदार्थ और क्रिया इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, जबकि पदार्थों क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है इस बात को वह भूल जाता है। अब इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं उन सब को मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। अब दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की मंत्रों की आदि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी भी विधि की ज़रूरत नहीं होती, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की ही आवश्यकता है। परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु मेरी उपासना में कोई नियम नहीं। भगवान की उपासना में प्रेम की अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या उपहृतम्। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। तो भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं।
प्रेम की आवश्यकता है। तब संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इसमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी, अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कही गई है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यानी हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ है, जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। आदर पूर्वक देना और उसी की वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। तो भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रयच्छति और क्रियाओं को अर्पण करने की बात भी बताई है। तो तत् कुरुष्व मदर्पणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती। तो ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण कर देता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। तो अब जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या। अब दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसा। सो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार सदा भगवान की ही है, उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल, उनको अपना मान लिया, यह भूल मिटाना ही है। अब भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है, और संसार को भगवान मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की आवश्यकता नहीं, वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मान लेता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। अब पीछे के दो श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवम मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। यानी इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ यानी निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? विशेष बात यह है कि शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फल स्वरूप जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। अब तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है? परंतु जब कर्ता कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी
नित्य ही प्रतीत होने लगता है। तो कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आए। अब उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता ही रहता है। तो जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। और तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसे नहीं छोड़ता। तो परिशिष्ट भाव यही है कि भगवान ने यान्ति मद्याजिनो अपि माम, ये जो से जो बात कहनी आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मुझे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। अब जो अपना नहीं है उसको अपना मानना बंधन के सिवाय कुछ नहीं है, और अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। तो भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। अब यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। माम उपैश्यसी पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है और उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मैव ते मतम, इसी को प्रेमाद्वैत भी कहा गया है। तो अब एक शंका होती है कि भगवान के समर्पित जो होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। तो इस पर आगे कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यानि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। तो यहाँ पे इस श्लोक के दो विभाग हैं। पूर्वार्ध में तो भजन न करने वालों का वर्णन है और उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है। तो यहाँ प्रिय शब्द को राग का वाचक ही मानना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र पर भगवान की समान रीति से प्रियता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतः भगवान इसका निषेध कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी बात है, द्वेष शब्द के साथ राग शब्द ठीक बैठ सकता है, क्योंकि राग और द्वेष यह द्वंद्व है और इसी द्वंद्व का यहाँ पर निषेध किया गया है। तो तात्पर्य यह है, समो अहम सर्वभूतेषु, यानी जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा ना करे, परंतु भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण आश्रम जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है, और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। तो भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं।
अब तत्व से तो भगवान समो अहम सर्वभूतेषु हैं, पर अनुभव करने में भगवान मय ते तेषु चाप्यहम हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। अब रामायण में आया है, सातवम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। तात्पर्य है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखाई देते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से आ जाती है और भगवान की ही दी हुई होती है। तब भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान भी भक्त, भगवान की भी भक्तों में ही प्रियता होती है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्तिपूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन किया गया है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् अव्यवसितो हि सः। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि जो मेरे पास कोई भी आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उसके सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले यहाँ दुराचारी का ही नाम लेते हैं। तो तात्पर्य भगवान का यही है कि कोई भी मेरी भक्ति करे, सदाचारी या दुराचारी, उनको आपस रास्ते पे आने का वो पूरा पूरा मौका देते हैं और बार बार देते रहते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योगी और कर्मयोगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। तो सम्यक् व्यवस्थितो हि सः, मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता रहता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड होती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है, अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, यही मोह था। आज यही समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।